बच्चों मेरा नमस्कार, एमके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आइए बच्चों, लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग एवं सामग्री के अंतर्गत कक्षा 8वीं की हम ब्रिज कोर्स की पुस्तक विज्ञान पर कार्य करते हैं। इसके पूर्व में भी हमने बहुत सारे वीडियो में पाठों का अध्ययन कर चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेगा। अम्ल, क्षारक और लवण दिया गया है। इसकी अवधारणा को आप एक बार रीड कर लीजिए। हम आते हैं इसके सीधे अभ्यास वर्कशीट पर। पेज नंबर हम 65 से कार्य करेंगे, पेज नंबर 69 तक। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास कार। अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल वो पदार्थ है जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, क्षारक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उसे क्षारक कहते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को सरल शब्दों के माध्यम से समझाइए। तो हाइड्रोक्लोराइड प्लस सोडियम क्लोराइड और यहाँ बराबर सोडियम क्लोराइड प्लस जल उष्मा HClNaOH NaCl H2O। अब प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं, अम्ल और क्षारकों में दो अंतर लिखिए। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को पेपर को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। प्रश्न नंबर पाँचवा है, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया है, विलयन नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है? तो उदासीन विलयन कहलाता है। प्रश्न नंबर छठवां है, आपको 3 द्रव नींबू का रस, साबुन का घोल तथा शक्कर का विलयन दिया जाए, तो आप गुड़हल के पुष्प को सूचक के रूप में उपयोग करके 3 द्रवों की पहचान कैसे करेंगे? तो गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी, क्षार के विलयनों को हरा कर देता है। अब देखते हैं बच्चों सातवां प्रश्न, उदासीन विलयन किसे कहते हैं? तो ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर आठवां है, लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्लीय क्षार की तथा उदासीन पदार्थों को कैसे पहचानेंगे? तो अम्लीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, क्षारीय विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इस आधार पर हम पहचान सकते हैं। वीडियो अगर स्पीड में लग रही है तो वीडियो को रोककर या पुश करके इन प्रश्न के उत्तर आप लिख सकते हैं। अभ्यास वर्कशीट 2 दी गई है। नींबू के रस में गुलहड़ के पुष्प से बने सूचक की कुछ बूंदें डालने पर विलयन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, तो बताइए नींबू के रस की प्रकृति क्या होगी? तो अम्लीय हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, साबुन का विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, साबुन का विलयन अम्लीय है या क्षारी? तो उत्तर आ जाएगा क्षारी। प्रश्न नंबर तीसरा है, ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते वे क्या कहलाते हैं? तो उदासीन विलयन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बराबर सोडियम क्लोराइड प्लस जल और ऊष्मा, ये इसका हमने यहाँ पे समीकरण लिख दिया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर पाँचवा है, दो अम्लों के नाम लिखो। तो नींबू का रस और संतरे का रस, दो क्षारकों के नाम हल्दी और गुड़हल की पंखुड़ियाँ। अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया में कौन सा नया पदार्थ निर्मित होता है? तो अम्ल प्लस क्षारक लवण प्लस जल ऊष्मा निर्मुक्त होती है। पेज नंबर 7 कंप्लीट होता है, सड़सठ कंप्लीट होता है। 68 पे कार्य करते हैं, एक चम्मच हल्दी पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर उसका पेस्ट बनाइए। उस पेस्ट को फिल्टर पर सफ़ेद मोटे कागज पर लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और सुखा लीजिए। इस हल्दी पत्र की पतली पट्टियां काट लीजिए। अब इन हल्दी पत्र की पत्तियों पर नीचे दिए गए विलयनों की कुछ बूंद के साथ परीक्षण कर अपने अवलोकन को कीजिए। तो आप इस आधार पर कर सकते हैं, जैसे नींबू का रस, हल्दी पत्र पर विलयन का प्रभाव लाल रहेगा और अम्ली होगा ये, संतरे का रस लाल और अम्लीता, सिर का लाल और अम्लीता, साबुन का घोल नीला और क्षारीता, खाने का सोडा नीला और क्षारीता, शक्कर का विलयन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उदासीन रहेगा उदासीनता, नमक का विलयन कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उदासीनता का प्रभाव रहेगा। अब हम आते हैं 100 आकलन शीट के अंतर्गत 69 नंबर के पृष्ठ पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ऐसे विलयन जो लाल व नीले लिटमस के रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीनी विलयन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर पाँचवा चौथा है, दही का स्वाद खट्टा होता है, क्यों? इसमें अम्ल पाया जाता है, अम्ल और क्षार।
यहाँ पे दिया गया है। अब देखते हैं उपरोक्त अभिक्रिया के में ए के स्थान पर क्या आएगा, तो अम्ल आ जाएगा। उपरोक्त अभिक्रिया में बी के स्थान पर क्या आएगा, क्षारक आएगा। उपरोक्त अभिक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त होती है और उपरोक्त अभिक्रिया उदासीनीकरण होती है। उपरोक्त अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण HClNaOH NaCl H2O उष्मा। प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के आगे सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है, सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय व क्षारीय विलयन में विभिन्न रंग दिखाता है। सत्य, नींबू का रस लाल लिटमस को नीला कर देता है। गलत, गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षार के विलयन को हरा कर देता है। सही, साबुन अम्ली होता है। गलत। तो ये थे महत्वपूर्ण अभ्यास, आशा है आपने इनके उत्तरों को लिख लिया होगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।